नालागढ़ के पहाड़ी हलके में एक और पहाड़ लगा धसने। वासड़ी पंचायत के सिल गांव में 25 परिवार हुए बेघर। मकानों में जगह जगह से आई दरारें टूटने लगी छतें। 25 परिवारों के सभी मकान टूटने के कगार पर। धीरे धीरे खिसक रहा है पूरा पहाड़। गांव में जगह जगह खेतों में सड़कों में आ गई दरारें। गांव वासी कर रहे हैं पूरे गांव को खाली। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। नालागढ़ के पहाड़ी हलके में एक और पहाड़ धसना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण पहाड़ी हलके में पहाड़ धसने शुरू हो चुके और उपमंडल नालागढ़ के तहत बवासनी पंचायत के गांव सिल में 25 परिवार बेघर हो चुके हैं और अब यह 100 से ज़्यादा आबादी वाले गांववासी गांव छोड़ने को मजबूर हैं और लगातार अपना सामान व भविष्यों को लेकर गांव से दूर साई की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गांववासी अपने घरों का सारा सामान तो उठा नहीं सकते, लेकिन जरूरी सामान लेकर गांववासी गांव से निकलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। गांव के सभी घरों में करीबन दरारें आ चुकी हैं और छतें टूटनी शुरू हो चुकी हैं। गांव की सड़क में भी जगह जगह दरारें आ चुकी है। सिल गांव का संपर्क देश दुनिया से पूरी तरह कट चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश से पहले वह कोशिश कर रहे हैं कि गांव को खाली कर दे, लेकिन अगर इस बीच बारिश हो जाती है तो गांव में ही फंस जाएंगे और यहां पर एक बड़ा हादसा भी हो सकता है। अभी तो जो हमारे गांव सिल के परिवार है, कम से कम 25-30 परिवार है जी, जिनकी सारी जगह और जो जितने भी मकान है और नए बने हुए सारे कमरे मकान है सबको बहुत ज्यादा दरारें आ चुकी है जी। और पूरी पहाड़ी ऐसे लग रहा है कि नीचे की तरफ जा रही है जी, कि नीचे जो और गांव उनको भी खतरा है। अच्छा जी। और हम पंचायत की तरफ से हमारे वार्ड मेंबर सभी और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनका सामान हम जल्दी से जल्दी बाहर निकालें जी, इनको सही तरीके से कहीं सेटल करें जी। और लोग भी पूरी पंचायत के पूरी हेल्प कर रहे हैं इनकी जी। हमारी कोशिश यही है कि बारिश से पहले पहले इनका सामान और खुद इनकी जानवर मवेशी जो भी है जी, जी। जल्दी से जल्दी कहीं शिफ्ट करें जी, ताकि कोई जानी माली नुकसान ना हो सके जी। इसलिए पूरी पंचायत पूरे जोर शोर से इनके साथ चली हुई है और लोग भी पूरी पंचायत से इकट्ठे होकर आ रहे हैं। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वैसे वैसे लोग आ रहे हैं, परंतु सड़क दोनों तरफ से खत्म हो चुकी है, ना उधर से रास्ता है ना उधर से है। कुछ थोड़ी सड़क साई की तरफ से खोली है जी, तो उधर से सामान साई की तरफ ले जा रहा है। बाकी दूसरी कुछ मेरी अपनी मशीनें इधर से वासनी की तरफ से आ रही है जी। कोशिश कर रहे हैं कि उधर से अगर रास्ता बन जाता है तो कुछ लोगों को हम उधर अपने गोयलापन वासनी की तरफ शिफ्ट करेंगे जी, ताकि कोई नुकसान ना हो। कल हमारे पटवारी जी आए थे तो कल इतनी ज्यादा दरारें नहीं थी जी, छोटी छोटी दरारें थी, तो लग रहा था कि शायद दरारें बढ़ सकती है जी, पर भगवान की कृपा से रात बारिश नहीं हुई जी, ज्यादा नुकसान नहीं हो सका। पर अब जो दरारें बहुत ज्यादा हो गई है और मकान तकरीबन गिरने की कगार पर है, तो इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और लोगों का तो बहुत ही बुरा हाल है। इतना ज्यादा नुकसान आज तक ना तो देखा कभी, ना ही कभी हुआ हमारे इलाके में, तो क्या पूरे हिमाचल में बुरा हाल है जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसकी हालत बहुत खस्ता है और गरीब लोग है बहुत जी, टमाटर लगा के सबने नए मकान बनाए अभी, तो इनकी फसलें भी इसकी उसमें आ गई है। हाँ जी, जद में आ गई है, पूरी फसलें बर्बाद होने के पूरे कगार, जब कुछ बचा ही नहीं तो फसलें भी कौन देखेगा। क्यों डरते मारे कोई गांव जमीन में तो खेतों में जा ही नहीं सकता क्योंकि ऊपर से दलदल आ रही है जी जी जी, पता नहीं चल रहा कब पहाड़ी कहीं बैठ जाए। लगभग रोड तो कम से कम 2-5-7 मीटर नीचे बैठ गया, पता ही नहीं चल रहा रोड है या नहीं। बिल्कुल, इसलिए हम जल्दी से जल्दी लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि इनको कहीं अच्छी जगह शिफ्ट कर सके जी, ताकि कोई नुकसान ना हो सके जी। बिल्कुल।